तो चलिए अगली खबर की तरफ हम रुक कर लेते हैं। देखिए, हॉकी खिलाड़ी हैं विवेक सागर, और विवेक सागर ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। अर्जुन अवार्ड से नवाजे जाएंगे हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर। 13 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें सम्मानित करेंगे। प्रदेश सरकार में रेत विक्रम अवार्ड से पहले ही सम्मानित कर चुकी है। मध्य प्रदेश से सिर्फ विवेक का ही चयन हुआ, 35 ऐसे खिलाड़ी जिनमें विवेक का चयन हुआ है। अच्छी खबर है, गौरवान्वित करने वाली खबर है कि खेलों में भी देश प्रदेश के निवासी अपनी रुचि ले रहे हैं और मेडल भी हासिल कर रहे हैं। और जानकारी ले लेते हैं, विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक सागर, जिसे विक्रम अवार्ड राज्य सरकार दे चुकी है, प्रदेश सरकार दे चुकी है, अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों उन्हें सम्मानित किया जाएगा। विवेक, देखिए, आज से कुछ महीने पहले टोक्यो ओलंपिक में जिस तरीके से हॉकी जो टीम है उसने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था, मध्य प्रदेश जो है वो जो जो कैटेगरी थी जिसमें विवेक सागर ने हिस्सा लिया था उसमें ब्रॉन्ज मेडल भारत के हिस्से में आया था। और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं विवेक सागर, इटारसी से आते हैं, और बताया जाता है कि लंबे अरसे से, कई सालों से लगातार अच्छी प्रैक्टिस के बाद उनका इंडियन हॉकी टीम में सिलेक्शन हुआ था और टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया था और जो है वो गोल अचीव किया था। जिसके बाद जब विवेक की सागर यहाँ भोपाल आए थे, मुख्यमंत्री ने भी इसकी घोषणा की थी कि उन्हें जो है वो पुलिस विभाग में भर्ती दी जाएगी और इसके बाद उन्हें डीएसपी बनाया गया है। अब विवेक सागर को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से विक्रम अवार्ड दिया गया था, लेकिन अब जो केंद्र सरकार है, जो जो नेशनल लेवल पे अवार्ड अर्जुन अवार्ड है, उससे सम्मानित किया जाएगा। 13 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद जो है वो उनको सम्मानित करेंगे। मध्य प्रदेश के अलावा 35 खिलाड़ी जो है वो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होंगे, तो ये बेहद मध्य प्रदेश के लिए गौरव का दिन रहेगा। मध्य प्रदेश में इससे पहले भी कई जो खिलाड़ी है वो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं, लेकिन जो राज्य स्तर का जो सबसे बड़ा सम्मान है विक्रम अवार्ड, उससे भी विवेक सागर को जो है वो अवार्ड किया जा चुका है। और राज्य सरकार ने ये दावा किया है कि जो हॉकी के प्लेयर्स है और अन्य खेलों के जो प्लेयर्स है उनको बढ़ावा देने के लिए खेल महोत्सव जैसे कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बिल्कुल, और ट्रेनिंग देने के लिए भी सरकार की योजनाएं हैं। और जो भी मध्य प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी हैं जिनमें किसी भी तरह का टैलेंट है, उन्हें तैयार करने के लिए सरकार ने भी अलग अलग तरह की योजनाएं संचालित की हैं, आप भी भाग ले सकते हैं। और हमारी तरफ से भी विवेक को शुभकामनाएं, जिन्हें आप राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सम्मानित करेंगे।